नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान लिए जा रहे हैं और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पहले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मैंने आपको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बताए थे। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा था, जहां एक्स और वाई रियल नंबर्स थे, और आपने जेड एक्स प्लस आई वाई लिखा था, जहां एक्स और वाई रियल नंबर थे। फिर आपने इसी जेड को आपने कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा था। मैंने इसको कहा था रियल कोऑर्डिनेट, इसको कहा था इमेजिनरी कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, ये रियल वाला। तो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, इसको रिप्रेजेंटेशन लिखा था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहा था मैंने इसको। इसको कई लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। मैंने इसको कहा था ये रियल एक्सिस है और इसे मैंने कहा था ये इमेजिनरी एक्सिस है, और इसको मैंने ओरिजिन कहा था। फिर मैंने आपको इसी जेड को लिखने का एक और रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा था। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब हमने ये इनिशियल लाइन ली थी, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए इस इनिशियल लाइन से जो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल थीटा बना था, और ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, या इसको आप वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो इस आर को मैंने कहा था मॉडुलस, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और थीटा को हमने कहा था आर्गुमेंट ऑफ जेड। और हमने इस आर्गुमेंट के बारे में, हमने इस आर्गुमेंट को देखकर एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी डिफाइन किया था। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हमने किसके बीच में रखा था, याद करो, माइनस पाई और पाई के बीच में रखा था। यदि कोई आर्गुमेंट जेड यदि हम माइनस पाई और पाई के बीच में लें तो उसको हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहा था, राइट। तो हमने ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताए, मॉडुलस फंक्शन के साथ में मैंने चीजें करके बताई। मैंने कुछ प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन की बताई थी आपको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक दूसरी इनइक्वालिटी बताई थी, कॉन्जुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट नंबर को डिफाइन किया था हमने। अब हम थोड़ी सी बात करें, हल्की सी बात करें, हमको तो एनालिसिस करनी है एक्चुअली। तो एनालिसिस करने का मतलब होता है हमें अब कुछ चीजें स्पेसिफाई करनी है। तो पहले तो मैं कुछ ज्योमेट्रिकल चीजें स्पेसिफाई करूं जो मेरे काम आएंगी, जो जरूरी भी है और जो आपने रियल एनालिसिस में थोड़ी बहुत सीखी भी है। पहला मेरा पॉइंट होगा ओपन सेट। इस ओपन सेट को डिफाइन करने के पहले मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मैं अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक डिस्क की बात करूंगा जिसका सेंटर मान लीजिए जेड नॉट है और इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। यदि आप बाउंड्री को लेकर नहीं चल रहे हैं तो इसको ओपन डिस्क कहते हैं, यदि बाउंड्री को लेकर चल रहे हैं तो इसको क्लोज डिस्क कहते हैं। और डिस्क को जनरली हम इससे दिखाएंगे, जेड नॉट आर, मतलब ये डिस्क, मतलब डिस्क का मतलब इसके अंदर आने वाले हर पॉइंट। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, इस डिस्क में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनकी डिस्टेंस जेड नॉट से आर, यदि ये ओपन डिस्क है तो ये ओपन डिस्क, ओपन डिस्क सेंटर्ड एट जेड नॉट ऑफ रेडियस। मैंने डिस्टेंस कहा और वास्तव में ये डिस्टेंस है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपने जेड माइनस जेड नॉट, जेड और जेड नॉट के बीच का डिस्टेंस है। क्यों भाई, क्यों डिस्टेंस है ये?
जेड माइनस जेड नोट को डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं? देखें, कोई घबराने की बात नहीं है, हम करके देखते हैं। ये वही डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं। जेड यदि एक्स प्लस आई वाई है, जेड नॉट यदि एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट है, तो जेड माइनस जेड नॉट क्या होगा? एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस आई वाई माइनस वाई नॉट। और जेड माइनस जेड नॉट का मॉड क्या होगा? बताया था मैंने आपको क्या? यस, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। क्या याद आया इसको देख के आपको? ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, किस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ये? दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स नॉट वाई नॉट। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री याद है आपको? देखिए, और ये एक्स वाई कुछ नहीं बल्कि मेरा जेड है, और एक्स नॉट वाई नॉट कुछ नहीं मेरा जेड नॉट है। तो मॉडुलस डिस्टेंस दिखाने का काम भी करता है। तो ये जेड नॉट से जेड की डिस्टेंस है। तो इस डिस्क के अंदर वो सारे पॉइंट आते हैं जिनकी सेंटर से डिस्टेंस आर से कम है। तो ये पूरा भर गया, बाउंड्री के पॉइंट नहीं लिए हैं, इसलिए इसको ओपन डिस्क कहा है। यदि आप बाउंड्री के पॉइंट ले लें तो इसको क्लोज डिस्क कहते हैं, क्लोज्ड डिस्क। कोई खास बात नहीं इसमें जेड, इसमें वो सारे पॉइंट आएंगे जिनकी डिस्टेंस जेड नॉट से या तो आर से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। तो ये बाउंड्री के पॉइंट की डिस्टेंस जेड नॉट से आर के बराबर होगी। तो इस केस में जैसे ये देखिए, ये मैंने डार्क कर दिया, इसका मतलब बाउंड्री को मैंने अंदर रख लिया। ये मान लीजिए जेड नॉट है और ये आर इसकी डिस्टेंस है, ये क्लोज डिस्क हो गई। ये यदि ओपन डिस्क है, ये क्लोज डिस्क है। अब हम इसकी हेल्प से एक सेट डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब हम जरा ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, एस बी ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। एस इज कॉल्ड एन ओपन सेट। बिल्कुल डेफिनेशन जो रियल एनालिसिस में, वही डेफिनेशन यहां भी है। हमने नेबरहुड को यहां पर डिस्क से चेंज कर दिया। इसे कई लोग आर नेबरहुड भी कहते हैं। कई बुक में यह आर नेबरहुड भी होता है, सेंटर्ड एट जेड नॉट। आर नेबरहुड मतलब आर रेडियस का बना हुआ स्मॉल डिस्क। तो एस इज कॉल्ड एन ओपन सेट इफ फॉर एवरी पॉइंट जेड नॉट ऑफ एस देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क d z not r where r is greater than 0 positive radius की disk 0 radius की भी हो सकती है। हाँ, ये एक point है, मैंने शायद miss कर दिया। disk of 0 open disk of 0 radius is empty set। कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि आप बोल रहे हो ऐसे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस जेड नॉट से जीरो से कम हो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब एम्प्टी सेट होगा। हाँ, क्लोज्ड डिस्क ऑफ रेडियस जीरो, उसमें केवल एक पॉइंट आता है जिसको आप कहते हो सेंटर, जेड नॉट। ओपन डिस्क ऑफ रेडियस जीरो एम्प्टी सेट होगी, क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस जीरो सिंगलटन सेट होगा, जेड नॉट। तो एनीवे, जेड नॉट कोई पॉइंट जेड नॉट एस का उठाइए, उसके अराउंड आप एक क्या बना सकते हैं, ओपन डिस्क, सच दैट ये पूरी ओपन डिस्क कंटेन होनी चाहिए एस में, एस के बाहर स्पिल आउट ना हो। जैसे
घबराइए मत, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं। लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप, जब मैं डॉट बना रहा हूं इसका मतलब बाउंड्री नहीं ली है मैंने, क्या ये ओपन सेट है? और प्रंग सेट बनाया मैंने, चेक करने का मतलब इसका कोई भी पॉइंट उठाइए, कोई पॉइंट उठाइए, इसका कोई भी पॉइंट उठाइए, क्योंकि बाउंड्री को तो मैंने लिया नहीं है। इसका कोई भी पॉइंट उठाइए तो वो बाउंड्री के अंदर होगा, उसकी डिस्टेंस होगी बाउंड्री से कुछ ना कुछ, मान लीजिए वो डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा है, उस डिस्टेंस का आधा कर दीजिए, उसका नाम आर रख दीजिए, और आप एक आर रेडियस का ओपन डिस्क बना दीजिए। देखिए पूरी की पूरी डिस्क किस में समाई है, ये पूरी डिस्क समा गई किस में, इस सेट के अंदर समाई हुई है, इस सेट के अंदर। आप जहां चाहे वहां पॉइंट उठाइए, उसकी डिस्टेंस बाउंड्री से, नियरेस्ट बाउंड्री से मेजर करिए, वो डिस्टेंस कोई पॉजिटिव नंबर होगी, उसका आधा ले लीजिए और उस रेडियस का एक डिस्क बनाइए, वो पूरा का पूरा इसके अंदर होगा। अब आप बोल रहे हैं सर कैसे बोल रहे हैं आप, ये मान लीजिए मैं ये सेट लूं और बाउंड्री ले लूं, ये क्यों ओपन सेट नहीं है? बताता हूं क्यों ओपन नहीं है। इसके हर इंटीरियर पॉइंट के लिए तो बना देंगे आप ओपन डिस्क। अब ये पॉइंट उठाइए, इसमें आप कितनी भी छोटा डिस्क बनाइए, क्योंकि आपको कैसा डिस्क बनाना है, जिसकी रेडियस क्या होनी है, पॉजिटिव, तो कितना भी छोटी पॉजिटिव रेडियस का डिस्क बनाइए, उसका कुछ पार्ट, ये देखिए वाला पार्ट, ये देखिए कुछ पार्ट आउटसाइड हो जाएगा, इसीलिए ये ओपन सेट नहीं है और ये ओपन है। तो ज्यादा भी बैक ऑफ द माइंड में रखिए, ओपन सेट और नॉन ओपन सेट में ना बाउंड्री के पॉइंट नहीं होते हैं, पर ओपन सेट इससे भी रिफाइन चीज होती है। रफली बात कर रहा हूं, फिगर बनाया मैं हर सेट की, जैसे ये ओपन डिस्क ओपन सेट है, क्लोज डिस्क ओपन सेट नहीं है, ये ओपन डिस्क ओपन सेट भी है, इट इज ऑल्सो ओपन सेट। मैं क्यों इस पर आ रहा हूं ओपन सेट पर, तो आप मुझे कोई भी सेट दें, मैं उसे ओपन सेट बता सकता हूं नहीं। ओपन सेट का मतलब समझ गए आप, क्या मतलब समझिए आप ओपन सेट का? हाँ, ओपन सेट में क्या होगा, कोई भी सेट, कोई भी आप प्लेन में सेट लीजिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यदि उस सेट के हर पॉइंट के अराउंड आप एक डिस्क बनाए, छोटी से छोटी जैसी भी डिस्क संभव हो, वो डिस्क पूरी की पूरी समाई रहनी चाहिए सेट के अंदर, तो वो सेट ओपन हो जाएगा। जब भी किसी पॉइंट के लिए ऐसी डिस्क ना बन पाए, इसका मतलब वो सेट ओपन नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इस सेट से भी है, कनेक्टेड। कनेक्टेड की डेफिनेशन, वैसे मैं टोपोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, टोपोलॉजी में भी डेफिनेशन इसकी डिफरेंट, मैं यहां पर डेफिनेशन आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहता हूं। कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई सेट कनेक्टेड कब कहलाता है, तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल बनाता हूं, ये लीजिए ये डिस्क बनाई पहले। कनेक्टेड का मतलब ये होता है, आप यहां कोई भी दो पॉइंट मुझे उठा के दीजिए, यदि मैं इन दो पॉइंट को लाइन सेगमेंट से या ब्रोकन लाइन सेगमेंट से, ये एक लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन, ब्रोकन लाइन सेगमेंट बने, तो इसको ब्रोकन लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यदि मैं इसको लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर दूं, तो इसको कहते हैं, ये तो एक सिंगल लाइन सेगमेंट है, इसको ये लैंग्वेज यूज करते हैं, पॉलीगोनल पाथ। तो ब्रोकन लाइन सेगमेंट नहीं कहते, तो मैंने आपकी आपकी लैंग्वेज में बात करी, ब्रोकन लाइन सेगमेंट को कहते हैं पॉलीगोनल पाथ। ये भी पॉलीगोनल पाथ है, इसमें केवल एक साइड है, पॉली, पॉली मीन्स कई, इसमें कई साइड है। तो यदि आप किसी सेट में किसी भी दो पॉइंट को किसी पॉलीगोनल पाथ से कनेक्ट कर दें, जो पूरा का पूरा सेट में समाया हुआ है, तो उस सेट को कनेक्टेड सेट कहते हैं।
देखिए जरा, एक ही कोई पॉइंट ले लीजिए, कहां जहां आपकी इच्छा है वहां पॉइंट ले लीजिए, जहां आपकी इच्छा है वहां पॉइंट ले लीजिए। देखिए सारा का सारी चीज सेट के अंदर है, सारी चीज सेट के अंदर है। ये लीजिए सेट, स्टार सेट, कोई पॉइंट ले लीजिए, ये लीजिए दो पॉइंट। इसको मैं सीधे तो कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लाइन बाहर चली जाएगी, तो पॉलीगोनल पाथ बनाया, यहां गया और फिर ये गया। ये लीजिए, ये अंदर का बना सेट, मैंने एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, कैसे कनेक्ट करूंगा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये पहुंच गया। लीजिए ये भी कनेक्टेड सेट है, जब भी ये पॉसिबल हो हमारे कनेक्टेड का मतलब ये है। और आपको आश्चर्य नहीं हो रहा होगा यदि आपने अच्छी तरह से अपने 12th क्लास तक की मैथमेटिक्स को स्टडी की है, तो ये किसका पार्ट है बता रहा हूं मैं, आपने कॉन्वेक्स सेट नाम सुना था, ये नाम आप पहले से सुन चुके हैं। कोई सेट कॉन्वेक्स सेट तब होता है जब उसके किसी भी दो पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ सकते हैं। तो डिस्क हमेशा कॉन्वेक्स सेट होती है, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। इसमें आपने इन दो पॉइंट को जोड़ने के लिए आप लाइन सेगमेंट जब भी बनाएंगे वो बाहर चले जाएगा। ये सेट कनेक्टेड है पर कॉन्वेक्स नहीं है, ये सेट कनेक्टेड है पर कॉन्वेक्स नहीं है, ये सेट कनेक्टेड एंड कॉन्वेक्स है, कनेक्टेड बट नॉट कॉन्वेक्स। एंड सेम चीज यहां पर भी, कनेक्टेड बट नॉट कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स, तो इसका मतलब क्या है, हर कॉन्वेक्स सेट कनेक्टेड होगा क्योंकि हर कॉन्वेक्स सेट में किसी भी दो पॉइंट को आप पॉलीगोनल पास एक सिंगल लाइन सेगमेंट से जोड़ सकते हैं। तो एवरी कॉन्वेक्स सेट इज कनेक्टेड बट कन्वर्स, उल्टा सही नहीं है, दिखाया मैंने, ये देखिए ना, ये कनेक्टेड है पर कॉन्वेक्स नहीं है, कनेक्टेड है पर कॉन्वेक्स नहीं है। हाँ कॉन्वेक्स है तो कनेक्टेड होगा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कनेक्टेड और कॉन्वेक्स के बीच कर रहे आप देख रहे हैं। जो आप ना एक ऐसा सेट भी देखेंगे हम अभी, इनको सेक्टर कहते हैं। ये देखिए दो लाइन सेगमेंट है, एक्सटेंडेड है अप टू इंफिनिटी, ये सेक्टर है, ओपन सेक्टर। यदि मैं बाउंड्री को ना लूं तो ये ओपन सेक्टर है। इस ओपन सेक्टर का वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स है इसका, ये ओपन सेक्टर है। बाउंड्री को मैंने हटा दिया, मान लीजिए बाउंड्री नहीं ले रहे, मान लीजिए बाउंड्री हमारी नहीं है, डॉट 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 है, ये ओपन सेक्टर है। ओपन क्यों है, आप कोई भी पॉइंट उठाइए उसकी डिस्टेंस नियरेस्ट बाउंड्री से लीजिए, पॉजिटिव होगी हाफ कर दीजिए, एक डिस्क बना देंगे जो पूरा इसमें समाया है। और ये कनेक्टेड भी है, आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए कहीं पर भी, इसमें आपको पॉलीगोनल पाथ नहीं बनाना पड़ेगा, ये किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट से एक सिंगल लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सेट कॉन्वेक्स भी है, इसका मतलब कनेक्टेड भी है और ओपन भी है। तो ओपन कनेक्टेड सेट को हम क्या कहें, क्वेश्चन ये आया, और हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्ट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इसका हम बार बार यूज करेंगे, इसके बिना हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। ए सबसेट ऑफ
a subset of complex plane is called a domain. ये वर्ड है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. इज कॉल्ड ए डोमेन इफ इट इज कनेक्टेड एंड ओपन. इट इज कनेक्टेड ऑन ओपन सेट. ओपन कनेक्टेड भी हो और ओपन भी हो तब इसको डोमेन कहते हैं. आपके कोर्स में ये डोमेन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, पर कई लोग इस डोमेन को रीजन भी कहते हैं. अब ये थोड़ी एम्बिग्यूटी है, ऑथर टू ऑथर वेरी करती है. हम जब भी डोमेन कहेंगे इस कोर्स में, हमारा मतलब ओपन और कनेक्टेड सेट होगा. कोई सेट डोमेन तभी होगा जब वो ओपन भी हो कनेक्टेड भी हो. ये डोमेन है, ये डोमेन है. यदि बाउंड्री नहीं है तो ये डोमेन है, यदि बाउंड्री नहीं ली तो ये भी डोमेन है, यदि बाउंड्री नहीं ली तो. कौन सी चीज डोमेन नहीं है? अब आप पूछेंगे मुझसे, एक सेट बनाइए जो सर डोमेन नहीं है. लीजिए, ये लीजिए, मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सेट बनाया जो दो डिस्क का यूनियन है, डिसजॉइंट डिस्क का. ये डिस्क नंबर वन है और ये डिस्क नंबर टू है, और मेरा सेट है डी वन यूनियन डी टू. ओपन डिस्क है दोनों. आपने पढ़ा हुआ है कि दो ओपन सेट का यूनियन ओपन होता है. इसका मतलब ये सेट एस ओपन है, पर ये कनेक्टेड नहीं है. क्यों कनेक्टेड नहीं है? बड़ा आसान बात है. एक पॉइंट यहां उठाइए, एक पॉइंट यहां उठाइए. इसको आप किसी कैसा भी पॉलीगोनल पाथ बना दीजिए, इसको इससे कनेक्ट करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा. इसलिए क्या ओपन है बट नॉट कनेक्टेड. इसलिए ये क्या नहीं है? ये डोमेन नहीं है. डोमेन नहीं है, नॉट ए डोमेन. तो मैं डोमेन को यही कहूंगा, मैं रीजन किसे कहूंगा वो बता दूं आपको, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे इस पूरे कोर्स में. याद रखिए, इस कोर्स में कंफ्यूजन ना रहे तो मेरा नोटेशन ये फिक्स होगा. दूसरा मेरा नोटेशन है रीजन के लिए. ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड ए रीजन. प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. यदि आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ रहे हैं, ऑथर डिफरेंट तरीके से बोलते हैं. वो कई ऑथर डोमेन को ही रीजन भी बोलते हैं. हम डोमेन और रीजन को अलग रख रहे हैं. अभी हमारे केस में डोमेन रीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कैसे? यहां देखिए, ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड ए रीजन. ओ सॉरी, इज कॉल्ड ए रीजन इफ इट इज कनेक्टेड एंड इट इज कनेक्टेड एंड may contain all, none or some boundary points. सारे boundary point contain करता हो या कुछ करता हो या बिल्कुल नहीं करता हो. इसका मतलब हर domain region होगा. मेरी definition के अनुसार हर region domain नहीं होगा. जैसे ये देखिए, ये देखिए, मैंने ऐसी डिस्क बनाई है जो इन बाउंड्री पॉइंट को नहीं देती है, इनको रखती है. तो ये तो ओपन है नहीं, पर ये कनेक्टेड है और कुछ बाउंड्री पॉइंट रखती है, इसलिए ये रीजन है. अब कई लोग तो इसलिए ध्यान रखिए, मेरा रीजन ऐसा होगा. तो मेरा रीजन क्या होगा? करीब करीब रफली कहा जाए तो मेरा रीजन कैसा होगा? मेरा रीजन ऐसा होगा कि वो डोमेन होगा, पर डोमेन के कुछ बाउंड्री के पॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या सारे हो सकते हैं. तीनों पॉसिबिलिटी है. तो हम ज्यादा कंफ्यूज ना करें, हम रीजन वर्ड बहुत कम यूज करेंगे. हम मोस्ट ऑफ द टाइम डोमेन वर्ड यूज करेंगे. तो इस पर आप कंफ्यूजन ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा और इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने का की बात भी नहीं है.
आपके लिए एक प्रॉब्लम है जो आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम है शू वेदर फॉलोइंग सेट्स आर डोमेन और रीजन। फॉलोइंग सेट्स आर डोमेन और रीजन और नीदर डोमेन नॉर रीजन। जरूरी नहीं कोई मैं आपको सेट दे तो कोई जरूरी नहीं कि उसको डोमेन होना ही पड़ेगा। डोमेन नहीं है तो रीजन हो जाएगा ना, हो सकता है वो ना डोमेन हो ना रीजन हो। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं कंफर्म। कोई सेट दूंगा उसकी सब पॉसिबिलिटी है, वो डोमेन हो सकता है, वो रीजन हो सकता है, वो ना डोमेन हो ना रीजन हो। आर्गुमेंट जेड लेस देन इक्वल टू पाई अपॉन थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू पाई अपॉन फोर। ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हिंट हिंट ये हिंट क्यों हिंट दे रहा हूं ये बता रहा हूं। वर्ड्स में या कंप्यूट करने से बेटर है पिक्चर देखिए। ये देखिए आपके सामने पिक्चर, में एक हिंट दे रहा हूं। पिक्चर कैसे है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं जिनका आर्गुमेंट पाई अपॉन फोर के बराबर या उससे बड़ा है और पाई अपॉन थ्री से छोटा है। ये पाई अपॉन फोर है, ये पाई अपॉन थ्री है। मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं जो पाई अपॉन फोर, जिनका आर्गुमेंट या तो पाई अपॉन फोर है या उससे ज्यादा है, पाई अपॉन थ्री है उससे कम है। इसका मतलब मैं ये वाले पॉइंट ले रहा हूं और इस वाले इस ये सेक्टर है, बताया था मैंने अभी आपको कुछ देर पहले, इसमें ये बाउंड्री भी जुड़ गई है। अब आपको सोचना है क्या है और क्या नहीं है। दूसरा रियल जेड ग्रेटर देन जीरो लेस देन टू। फिर से देखिए क्या है, हमेशा पिक्चर क्या बनाइए। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जीरो से बड़ा है और टू से छोटा है। रियल पार्ट किसके अलाउ आता है, रियल एक्सिस के अलाउ। मैंने ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट जीरो से बड़ा है और टू से छोटा है। इसका मतलब ये वाला, इसमें ना ये वाली बाउंड्री आई है ना ये वाली बाउंड्री आई है। थर्ड ऐसा रीजन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इसके बीच में है और उसका रियल पार्ट मैंने इन दोनों कंबाइन कर दिया। अब मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा, अब आपको पिक्चर स्वयं बनानी है। मैंने दो के पिक्चर बनाई, इसकी पिक्चर स्वयं बनाई और आपको आंसर मिलेगा। और सब जगह आंसर इस पर दिख रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर आपको दिखाई दे रहा है क्या आंसर है। हिंट के लिए ये साफ साफ पता है, इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड है, ये कनेक्टेड है, बाउंड्री इंक्लूडेड है, ये रीजन है, डोमेन नहीं है। इसमें ये वाली बाउंड्री भी नहीं है और ये वाली बाउंड्री भी नहीं है, ये कनेक्टेड है, ओपन है, डोमेन है, डोमेन है तो रीजन भी है, हर डोमेन रीजन होता है। इसको आप मुझे बताएंगे क्या है। तो ये मैंने आपको कनेक्टेड पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट से डोमेन की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। अब जरा हम बात करें, हमें तो एनालिसिस करनी है, इसका मतलब हमें किसके बारे में चर्चा करनी है, हमें पता होना चाहिए हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। तो हमें हमारा इंटरेस्ट है, हमने जब रियल फंक्शन थ्योरी पढ़ी थी तो हमने बोला था, क्या पढ़ा था बोलिए, याद करिए, रियल एनालिसिस में हम कहते हैं जो आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पहले पढ़ा है, क्या कहते हैं हम रियल एनालिसिस में, रियल फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शंस
रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वैल्यूएबल, उसको आप रियल फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब जब मैं आपसे कहूं कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो क्या बोलेंगे आप? रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूएबल मतलब एफ कोई फंक्शन है जो किसी सेट से जो रियल नंबर का सबसेट है उससे किस में जाता है? रियल नंबर में। ये नोटेशन था और इसको लिखने का तरीका था वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। इसका डोमेन ए था फंक्शन का, या डेफिनेशन ऑफ डोमेन कहते हैं। वो डोमेन का होता है ओपन का लेटर सेट नहीं, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डोमेन माने ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा है ए पर। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखने का तरीका था आप एक्स की डिफरेंट वैल्यू देती जाइए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू बनेगी। तो x की वैल्यू कहां से आती है? x की वैल्यू a से आती है और y कहां जाता है? r में जाता है, सारी रियल वैल्यूज है। इसी चीज की कॉपी कर दीजिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते समय, तो क्या होगा? इस फंक्शन को दिखाना बड़ा इजी होता था। क्यों इजी होता था? इसका ग्राफ बनता था बड़ा अच्छा। आप जो a लेते हैं वो इसका सबसेट है, मान लीजिए ये a था आर का सबसेट और वैल्यू यहां पर दिखाते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट उठाया एक्स, उसकी वैल्यू मान लीजिए यहां आई एफ एक्स। यहां पर एक पॉइंट उठाया एक्स वन, उसकी वैल्यू यहां आई एफ एक्स वन एंड सो ऑन। तो यहां देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन defined on a subset S of complex numbers। complex number के बाद में मैंने थोड़ा सा आपको बताया नहीं, complex number के set को जैसे मैंने real number के set को हमेशा script R से दिखाया है, इसी तरह से complex number के set को मैं हमेशा लिखूंगा सी स्क्रिप्ट सी कहते हैं इसे। मैं ऐसे लिखूंगा, रियल नंबर को ऐसे लिखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखूंगा हमेशा। तो ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स टेकिंग कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दैट इज a complex function f defined on a complex subset s, s किसका subset है? complex number का। value कहाँ गई? कोई difference नहीं है definition में, कोई difference नहीं है, please match करिए दोनों जैसे में। so a complex function f defined on a subset s of a complex number c taking complex value that is this is called a complex function। डिनोट करते हैं हम इसको w इक्वल टू एफ जेड, जहां फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू s। ये z डोमेन से आया है, डोमेन मीन्स फंक्शन की डेफिनेशन का डोमेन s से आया है, और वैल्यूज को हम रियल वाले केस में हम इसको x लिखते थे, इसको y लिखते थे, यहां हम इसको लिखते हैं z और इसको लिखते हैं w। पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर्गुमेंट्स जहां जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल्स पर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो आंसर आ रहे हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहा है, कोई अनोखी बात नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर आपने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिखा था, तो इसका भी लिखिए, प्रॉब्लम है। जो जेड होता है यहां तो एक्स एक रियल वेरिएबल था, उसकी वैल्यू दूसरी रियल वेरिएबल थी। जेड तो दो रियल वेरिएबल से बना होता है और डब्ल्यू भी दो रियल वेरिएबल से बना होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। एक प्लेन में पॉइंट जेड तो एक प्लेन में होगा, उसकी इमेज भी एक प्लेन में बनेगी,
इसका मतलब मुझे कितने डायमेंशन का वर्ड चाहिए, 4 डायमेंशन का वर्ड चाहिए, और हम रहते कितने डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। इसीलिए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का डेपिक्शन इजी नहीं है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इससे बचने का तरीका ढूंढेंगे बार बार, हमारा इंटरेस्ट उसकी फिगर बनाने से नहीं है उस तरह का, हमारा इंटरेस्ट है हम इसको कहेंगे जेड प्लेन, जहां पर आपका एस लाई करता है, और इसको कहेंगे डब्ल्यू प्लेन, जहां पर आपकी वैल्यू जाती है। कोई खास बात नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जेड जो है हम लिखते हैं एक्स और वाई से, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे यू और वी से। तो यहां पर ये यू है, ये वी है, यहां ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको आप रियल एक्सिस कहते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये पॉइंट आपका जेड है, इस पर एफ लगाया आपको डब्ल्यू मिला जो यू भी है, या डब्ल्यू को भी आप एक्स वाई उस पेपर डब्ल्यू प्लेन है, मैंने उसको यू भी लिख दिया, यू और वी के टर्म से बता रहा हूं क्यों लिखा, उसको समझेंगे भी आप। ये लिखने का एक तरीका है इसको, पर यदि हम थोड़ा सा इस तरीके को थोड़ा चेंज करें, बस यही इस लेक्चर का मेन पर्पज ये भी था कि हम इस तरीके को थोड़ा लिखने का चेंज करें, एक्स जेड इक्वल टू डब्ल्यू वाले तरीके को। आप याद करिए आपने मुझसे क्या कहा अभी, यदि आप जेड पर इस फंक्शन को लगाएंगे तो आपको वैल्यूज कहां मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही जाएंगी। ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, चिंता करने की बात नहीं है। सिंपल सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफ जेड को लिखने का तरीका मैंने ढूंढा है यू प्लस आई वी, जहां जेड यदि आप ध्यान से देखें, जेड को आप एक्स कॉमा वाई, हमने जेड को एक्स कॉमा वाई भी लिखा था, इसका मतलब अब ये दो रियल, ये दोनों रियल वेरिएबल है, इसका मतलब ये यू जो है दो रियल वेरिएबल पर टिका हुआ है, तो इसको लिखते हैं यू एक्स वाई, ये वी भी दो रियल वेरिएबल पर टिका हुआ है, इसको लिखते हैं वी एक्स वाई। मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दिया, यहां मैं जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, यहां मैं उसी जेड को इस फॉर्म में देख रहा हूं, किस फॉर्म में, दो रियल वेरिएबल के फॉर्म में देख रहा हूं। तो अब मेरा ये फंक्शन दिख रहा है करीब करीब फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, एक्चुअली है ऐसा नहीं पर फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल है, इसको इस फॉर्म में देखा, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड होगा यू एक्स वाई, जहां यू एक्स वाई खुद फंक्शन है, कहां से, एस से, किस में, आर में, क्योंकि ये रियल वैल्यू है ना, ये रियल नंबर है ना, और इमेजिनरी एफ जेड वी एक्स वाई भी एक फंक्शन है, कहां से, एस से आर में। अब भाई देखिए बड़े, अब हम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कई बातों को रियल एनालिसिस से प्रूव करूंगा, रियल एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल, रियल एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए हम से एफ जेड इक्वल टू लिखा यू प्लस आई वी, जहां यू और वी कॉम्प्लेक्स नंबर थे, जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यू और वी किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स और वाई पर, तो यू एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहे हैं, वी एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये यू जो है वो एस से आर में, एस यहां था ना, हमने सेट लिया था ना, एस सेट लिया था, हमारे पॉइंट एस सेट के अंदर है, एस से आर में गया, आर में क्यों, मैं किसको बोल रहा हूं आर में, यू की वैल्यू आर है, ये यू आर रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू में गया, वी की वैल्यू भी रियल है, तो रियल में गया। अब ये दो फंक्शन के ये जो मेरे हैं ये इस कैटेगरी में आ गए, ये जो लिखा है मैंने, देखिए यहां पर ये, मैं इसका आपको यूज बताऊंगा अभी बाद में चल के, क्या इंटरेस्टिंग बात है। तो हम कई बार क्या करेंगे, पढ़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहे हैं और टेक्निक यूज कर लेंगे हम यहां से, ये हमारी खासियत होगी। तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखने का दूसरा तरीका कौन सा तरीका, एफ जेड इक्वल टू यू जेड प्लस आई वी जेड। अब जेड नहीं लिखना चाहते तो कई लोग यहां पर लिखते रहते हैं एफ जेड, जेड को मान के चलते हैं कि एक्स वाई है, तो इसको लिखते हैं यू एक्स वाई और इसको लिखते हैं आई वी
एक्स वाई, जब वो ये मान के चलते हैं कि जेड किसकी तरह है, एक्स वाई की तरह लिया। हम इस पर काफी काम करेंगे, हम देखेंगे लिमिट निकालते समय, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट के बारे में डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और इसके थ्रू भी बात कर सकते हैं। हम कंटिन्यूटी की बात इसके थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात इसके थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं अपने अगले लेक्चर में आपको लिमिट कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करूंगा, डायरेक्टली भी डेवलप करूंगा और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बताऊंगा। पर इसमें याद रखिए, आप अगली बार जब भी इसके अगले पार्ट को देखें तो उसके पहले आपको रियल एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल जरूर देखना चाहिए। और जब भी आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, मेरा ईमेल याद रखिए, sanjpant@gmail.com। इस ईमेल को याद रखिए, आप बिना हिचक के, बिना हेजिटेशन के, कहीं पर भी कोई चीज आपको पूछनी है, समझनी है, आप मुझे ईमेल करिए इस पर और आपको तुरंत जवाब मिलेगा इस पर।